बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स लेवल इन्फो के मोजेज़ नासरीन, अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ील्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों में से एक नबी ने दुश्मन के ख़िलाफ़ जिहाद का इरादा किया तो अपनी कौम से फरमाया कि मेरे साथ ऐसा शख्स ना चले जिसने हाल ही में शादी की हो और इसका शब ज़फ़ाफ़ मनाने का इरादा हो लेकिन अभी तक इसने अपनी बीवी के साथ शब ज़फ़ाफ़ ना मनाई हो, और ना वो शख्स मेरे साथ चले जो घर की तामीर में मसरूफ़ हो और अभी तक इसने घर की छत ना डाली हो, और इसी तरह ऐसा आदमी भी मेरे साथ ना चले जिसने बकरियां ख़रीदी हों या हामला ऊँटनियाँ ख़रीदी हों जिनके जनने का इंतज़ार हो। चुनाचे ये हिदायत देकर वो जहाद के लिए रवाना हुए। जब उस बस्ती के करीब पहुँचे जिस पर लश्कर कशी का इरादा था तो असर की नमाज का वक्त हो गया। उन्होंने सूरज को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ सूरज, तू भी हुक्म के ताबे है और मैं भी हुक्म के ताबे हूँ। ऐ अल्लाह, इस सूरज को हमारे लिए रोक दे। चुनाचे वह सूरज रुक गया यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब फरमाई और उन्होंने माले गनीमत जमा किया। फिर इस माले गनीमत को खाने के लिए आग लगाई तो उस आग ने वो माले गनीमत नहीं खाया। उन्होंने फरमाया कि तुम लोगों में ज़रूर कोई खयानत का मुर्तकब हुआ है, इसलिए हर कबीला का एक एक आदमी मेरे हाथ पर बैत करे। चुनाचे दौरान बैत एक शख्स का हाथ उनके हाथ के साथ चिमट गया। उन्होंने फरमाया कि ज़रूर तुम में कोई खाइन है, बस तेरा कबीला मेरे हाथ पर बैत करे। जब बैत की गई तो दो या तीन अफराद के हाथ उनके हाथ के साथ चिमट गए। उन्होंने फरमाया कि तुम में कोई खयानत का मुर्तकब हुआ है। चुनाचे वो लोग गाय के सर के बराबर सोने का एक सर लेकर आए। जब उसको भी दूसरे माले गनीमत में रख दिया गया तो आग आई और इस माल को खा गई। बाद में अल्लाह ताला ने हमारे लिए माले गनीमत को हलाल करार दे दिया। अल्लाह ताला ने हमारी कमज़ोरी और आजजी को देखा तो हमारे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया। This is Ali Bhai with you, and you are watching Dutch Level Info. नीचे दिए गए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपकी खिदमत में पेश हो सबसे पहले।